रेस्टोरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा बच्चों, जो पिछला हमने जो टॉपिक किया था, लेक्चर किया था, सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस किया था, तो आज जो है हम सिंपल पेंडुलम के टॉपिक ही में से कुछ एग्जाम्पलें हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 10.2, 10th फिजिक्स, क्लास 10th फिजिक्स से। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। जैसे कि स्टेटमेंट में जो पूछा गया, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1 मीटर। हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ गिवन है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो गिवन डेटा में यहाँ लिख लेता हूँ, गिवन डेटा, डेटा व्हाट इज टाइम पीरियड, क्या चीज फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, जबकि लेंथ है हमारे पास कितनी जी, 1 मीटर। सही है, 1 मीटर लेंथ गिवन हमें। तो सिंपल फॉर्मूला जो लगेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमने जो है लेक्चर में भी लास्ट पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड किया था, तो टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल ओवर जी, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू पाई की जगह जो है वैसे 22/7 भी होता है, तो उसको सॉल्व करके 3.14 आंसर आएगा। रूट ऑफ एल हमारे पास 1 मीटर, और जी, अब जी जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आई हुई है, तो यहाँ की बुक के ऊपर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी राउंड ऑफ होके 10 ही मान लिए। तो यहाँ पे देखें, मीटर मीटर से काट गया ना, स्क्वायर के अंदर ये है, तो टी इज इक्वल टू, अब रूट के अंदर जो है हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, रूट के अंदर जो सॉल्व होके फिर उसका रूट लेना है, रूट लेके फिर मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 करके टोटल जो आंसर हमारे पास आ रहा है 2 सेकंड। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, रूट के अंदर इसको सॉल्व करना है, रूट के अंदर हम इसको सॉल्व करके हमारे पास 1/3.14। सही, तो इसको अब सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई ये कर दे, या सिंपल 3.14 3.14 आपस में कट गए, तो क्या बचा, 2 बचा हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख करते हैं, एग्जाम्पल 10.2 है, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, ये सेम बिल्कुल सेम ही है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं, गिवन डेटा में इसमें भी पूछा गया टाइम पीरियड क्या है, जबकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 9.8 मीटर। यहाँ सिर्फ लेंथ डिफरेंट है, यहाँ यहाँ देखिए लेंथ जो है 1 मीटर है, और इधर लेंथ जो है कितनी है, 9.8 है, तो बस और कोई फर्क नहीं, 9.8 मीटर। तो क्या चीज फाइंड करनी है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ एल ओवर जी, तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, और एल जो है हमारे पास बच्चों 9.8 मीटर डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर 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 से काट गया, जो हमारे पास आंसर बचेगा वो 9.8 9.8 काट गया आपस में, तो क्या होगा 2 इंटू 3.14 रूट ऑफ, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1 1 ही रहेगा, 6.28 सेकंड जो है इसका आंसर आ रहा है। सही है, तो ये थी एग्जाम्पल 10.2, अभी हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल 10.3 को करेंगे। अच्छा बच्चों, अभी जो है हम एग्जाम्पल 10.4 को करने जा रहे हैं, तो मैंने स्टेटमेंट तो यहाँ नहीं लिखी हुई, यहाँ ही मैं बुक के ऊपर पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर, तो मैं गिवन डेटा में साथ साथ लिखूंगा कि जो पूछा गया है कि लेंथ जो है हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, 1 मीटर, एंड इट हैज अ टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड कितना है जी, 5 सेकंड। सही है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये मून के ऊपर है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड करनी है कि ये इस जो है मून के ऊपर वैल्यू ऑफ जी कितनी है, उसको हमने फाइंड करनी। तो सिंपल, कोई इतना तो मुश्किल नहीं है फॉर्मूला जो है हमारे पास, सिंपल जो है टाइम पीरियड वाला, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल ओवर जी। सही है, अच्छा बच्चों जो है ना, हमने इस फॉर्मूले में से टाइम पीरियड तो हमारे पास गिवन है, पाई जो है कांस्टेंट है,
एल की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू नहीं है जो हमने असल में फाइंड करनी है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये जो जी है ना, ये इस वक्त जो है रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है। हमने इसको पहली फुर्सत में रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी का स्केयर, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 टू की पावर 2 4 पाई का स्केयर। अच्छा ये जो है ना स्केयर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा एल ओवर जी, सही है। अच्छा जी हमने फाइंड करना है, जी को उस तरफ ले जाएं, 4 पाई का स्केयर एल ओवर टी की पावर 2, सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा हमने क्या चीज फाइंड करनी है, जी फाइंड करना है, ठीक। जी इज इक्वल टू 4 इंटू पाई जो है हमारे पास है 3.14 की पावर 2। एल जो है एल 1 है और टी टी का स्केयर देखें हमारे पास क्या है जी, 5 का 5 s का स्केयर, होल स्केयर का नहीं, सॉरी होल स्केयर नहीं बल्कि इसका स्केयर ये लाद मल्टीप्लाई कर, सही है। तो देखें 3.14 इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल मैं लिख रहा हूँ, इसको टोटल जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 1.58 मीटर पर सेकंड का स्केयर। देखिए किस तरह है ये, अपने क्या करना है, सबसे पहले 3.14 का स्केयर लेना है, 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप। फिर इसी तरह 5 जो है ना, 5 का स्केयर लेना है, स्केयर लेके जो है टोटल आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करके डिवाइड बाई इसको कर देना है तो आंसर आपके पास आएगा 1.58 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो ये है ग्रेविटी की वैल्यू ऑन मून, जो कि एमसीक्यूज में भी काम आ सकता है। तो असल में इसकी वैल्यू ग्रेविटी ऑन मून होती है 1.6, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके 1.6 बन रही है, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल हमारी 10.4। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।